Hello friend, welcome to my channel, The Technical Intro. Please subscribe my channel and click on the bell icon as soon as possible for more and get notification. दोस्तों मैं हूँ राजकुमार, आप लोग देख रहे हैं द टेक्निकल इंट्रो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के नया वीडियो। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें इसी तरह वीडियो पाने के लिए। तो आज हम दिखाएंगे HP नेवर स्टॉप प्रिंटर कैसे रिफिल कर पाएंगे और कैसे रिफिल करते वो आज इस वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए चलिए दोस्तों, देखिए प्लस टू जो लेवल है दिखा रहा है, मतलब इसमें इंक बहुत लो है तो इसको रिफ़िल करना है। तो देखिए इस कैप को इस तरह हटाना है और इधर से आप लोग रिफ़िल कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, स्क्रिप करके मत देखिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए हम दिखाएँगे कि कैसे इस टोनर को रिफ़िल कर प्रिंटर को रिफ़िल कर सकते हैं। दोस्तों इतना ईजी है, क्या बोलूँ, ये देखिए ये रीलोडर किट है और ये किट मार्केट पे अवेलेबल है। HP ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं, HP एक्सक्लूसिव स्टोर से भी ये अवेलेबल है। देखिए दोस्तों ये इस तरह सील रहते हैं और ये इंक का नंबर है HP 103A। दो टाइप का ये मिलता है, ये डुअल पैक और सिंगल पैक। ये सिंगल पैक है इसलिए 103A, और अगर डुअल पैक आप ख़रीदते हैं तो इसमें लिखा होगा HP 103AD। तो देखिए इस तरह फॉइल पैक से रहते हैं, तो ये पीछे वाला ऑप्शन है, ये फॉइल पैक एयर टाइट रहते हैं पूरा। तो इस तरह आपको मिल जाएगा। तो पहले ये देखिए ये साइन है, इस इधर से आप कर सकते हैं। तो साइन किया गया इधर, ये देखिए इधर साइन है कि इधर से आप कट कर सकते हैं। तो हम इधर से कटिंग करेंगे और रीलोडर को बाहर निकालेंगे। बहुत ही इजी है, अगर छोटा बच्चा भी करना चाहे तो इतना इजी टेक्नोलॉजी है कि आप कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग अभी तक जितने सारे प्रिंटर देखे हैं कि वो प्रिंटर रिफ़िल करने के लिए बेसिकली जो लेज़र टोनर होता है हर कोई रिफ़िल नहीं कर पाते, लेकिन इस नेवर स्टॉप प्रिंटर में इतना इजी टेक्नोलॉजी है, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए कैसे इसको रिफ़िल कर सकते हैं आप लोग। इस तरह मैंने रीलोडर किट को खोल दिया और इधर देखिए जो पिंक कलर है ये इंक लॉक है, ये रिमूव आप खींचते हैं तो ये अनलॉक हो जाएगा इंक। इधर साइड में पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप लोग इधर से भी देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस रीलोडर किट को प्रिंटर के अंदर ये जो है देखिए इस तरह इसके अंदर लगाना है। फिर देखिए ये जो LED है ये ग्लो भी कर रहा है, ये देखिए हमने खोल दिया, ये देखिए। फिर ये देखिए ये जो चिप है, चिप इसमें कनेक्ट हो रहा है, देखिए जब भी चिप कनेक्ट हो रहा है देखिए LED ग्लो हो रहा है, ये जो इंक का LED है ये ग्लो कर रहा है। अब क्या करना है, इस रोलोडर किट को 180 डिग्री एंगल में घुमाना है। तो पहले इसको ये देखिए अनलॉक कर दिया मैंने, ये देखिए पूरा 180 डिग्री एंगल से इसको घुमाना है, हो गया। अब क्या करना है, पुश करना है विद इन 15 सेकेंड, आपका प्रिंटर जो है ये रिफ़िल हो जाएगा। जस्ट पुश, देखिए हो गया। अब यदि नीचे फॉलो कीजिए कि पिंक कलर का देखिए वाइट हो गया, अभी दिखा रहे थे प्लस टू लेवल, अभी प्लस वन एंड वाइट कलर हो गया, मतलब जो टोनर है टोनर आधा हो गया रिफ़िल। और आप फुल करना चाहते तो दो किट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक किट रिफ़िल कर दिया, मतलब इसमें लगभग 2500 पेज प्रिंट आउट होगा। अब फिर से हम 180 डिग्री एंगल से घुमाएंगे और इसको बंद कर देंगे, हो गया हमारा जो रिफ़िल प्रोसेस। तो दोस्तों इस तरह आप अपना जो प्रिंटर है नेवर स्टॉप प्रिंटर इस तरह आप रिफ़िल कर पाएंगे। और ये बहुत ही इजी टेक्नोलॉजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
लाइक करें और शेयर करें। आज इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।